बहन जी ऐसा कुछ नहीं है, इसकी मजाक करने की आदत है, हमसे ना जाने कैसी कैसी मजाक करता रहता है, आप इसकी बात पर ध्यान रख दो। अरे संजय, अरे मैडम के लिए एक प्लेट धंधा ले गया, अभी ले आया। संजू जी तीन चार प्लेटें ले आना। वो क्या ना मैडम जी, आपको देख के लग रहा है कि आपका एक प्लेट से पेट नहीं भरेगा, इसलिए मैं आपके लिए तीन चार मंगा रहा हूँ, आपको भूख ज्यादा लगती है। पंचम की इतनी हरकतों के बाद भी मुरारी जी बड़े प्यार से पंचम को दही भल्ले ऑफर करते हैं, लेकिन यहाँ तो पंचम ने हद ही कर दी। पंचम दही भल्ले की प्लेट मुरारी जी के मुंह पर ही मार देते हैं, जिसके बाद गुस्से से आग बबूला होकर मुरारी जी पंचम को नौकरी से निकाल देते हैं। पंचम भी बड़ी खुशी खुशी वहाँ से चले जाते हैं। तू भी थक गया होगा, तू खा ले बेटा, खा ले तू। नमक ठीक है? अबे तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे मुंह में दही भल्ले मारने की? अरे तेरी औकात ही क्या है बता? मैं बेटा 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 कह रहा हूँ, कोई बेटा बेटा ना है, चल निकल तू यहाँ से, मैं तुझे नौकरी से निकाल ले। कभी जिंदगी में झगड़ बंद करियो अपनी, चल। तो सेठी हमें भी कोई नौकरी करने का शौक नहीं है, धन्यवाद, हमें भी यहाँ पे नौकरी नहीं करनी। जय श्री राम। बेटा जा। चलिए अब जरा पंचम से ये जानते हैं कि उनकी इस बेरुखी के पीछे आखिर क्या वजह है। किसी कारणवश, जैसा कि आपको पता है, इलायची जी ने मुझे कुछ ऐसा बोल दिया जिसके कारण मैं बहुत ज्यादा चिढ़ गया हूँ, और अब मेरा यही इंटेंशन है कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ और मुझे उन्हें प्रूफ करके दिखाना है कि मुझ में बहुत हिम्मत है। इसीलिए मैं सेठ जी के सामने बहस कर रहा हूँ, उनके राज खोल रहा हूँ और उन्हें उल्टी सीधी बातें बोल रहा हूँ ताकि वो मुझे जॉब से निकाल दे, और ये मेरा इंटेंशन है। और फिर मैं इलायची जी को बता दूंगा कि मैं वही हूँ जो मैं कहता हूँ। पंचम, हमने देखा कि आप हर बार मुरारी जी की बेइज्जती किए जा रहे थे, इन सब में उनका क्या दोष था भला? हमारे सामने ग्राहक आए तो आपको तो पता ही है, मुरारी बंसल 420 दुकान के नाम से ही पता चलता है, बहुत 420 आदमी है, तो लोगों को 4000 रुपए की आइटम 10000 रुपए में देते हैं, 15000 रुपए में देते हैं, तो बस मैंने उनके राज खोलने शुरू कर दिए। उन्हें बता दिया कस्टमर के सामने कि ऐसा ऐसा कह रहे थे, देखो जी आपको ये जो 4000 का दिखा रहे हैं ये एक्चुअली तो 500 रुपए का, और ये 10000 वाला तो एक्चुअली 2000 रुपए का है। तो बस ये राज खोला तो सेठ जी ऐसे पूरे पंचम। वैसे हमने देखा कि आपकी इतनी बदतमीजी के बाद भी मुरारी जी जल्दी से गुस्सा नहीं हुए, क्यों? सही कहा ना हमने? वो तो चाहते हैं कि मैं नौकरी पे रहूं, लेकिन मैं बहुत टाइम से कोशिश कर रहा हूं कि मैं इस नौकरी को छोड़ के ही दिखाऊंगा, क्योंकि इलायची जी ने मुझे ऐसा बोला है कुछ, वो देखने के लिए आपको खैर एपिसोड देखना पड़ेगा और स्टोरी देखनी पड़ेगी, पर ऐसा कुछ बोल दिया जिसके कारण अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं ये नौकरी छोड़ूंगा ही छोड़ूंगा और मैं छोड़ के ही रहूंगा। वेल, पंचम, जैसा कि आपने बताया आपकी नाराजगी तो इलायची से है ना, लेकिन आपने तो अपना सारा गुस्सा उनके पापा पर ही निकाल दिया। हम तो बस यही कहेंगे कि आप किसी और का गुस्सा किसी और पर ना निकाले तो बेहतर होगा। मुंबई से ज़ारा खान की रिपोर्ट, E24।